हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। और आज हम लोग देखेंगे कि कोई भी चीज़ फ्लोट कैसे करता है और सिंक कैसे करता है, मतलब कोई चीज़ डूबता कैसे और तैरता कैसे। जैसे कि हम लोग दो ग्लास में नॉर्मल वाटर लिए हैं, इसमें नॉर्मल वाटर में अगर कोई चीज़ हम लोग डालेंगे तो ये क्या हो रहा है, डूब जा रहा है, मतलब सिंक हो जा रहा है, नीचे चल जा रहा है। वैसे इसमें भी अगर कुछ हम लोग डालें तो ये क्या हो रहा है, डूब जा रहा है। अगर हम लोग, क्योंकि ये डूब क्यों जा रहा है, क्योंकि इसका डेंसिटी कम है। अगर हम लोग इसमें नमक डालेंगे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में और इसको अच्छे से डिसॉल्व कर लेंगे, इसको अच्छे से डिसॉल्व कर लिए, अब इसमें अगर हम लोग डालेंगे पोटैटो को तो क्या हो रहा है, ये तैरने लग रहा है। देख रहे, ये ऊपर आ गया आलू, मतलब ये तैर रहा है। तो तैर रहा है मतलब क्या, इसका डेंसिटी क्या हो गया, इसका डेंसिटी ज़्यादा हो गया, इसका डेंसिटी कम है, इस वजह से ये डूब गया। और इसमें वाटर का डेंसिटी क्या हो रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। किसके वजह से ज़्यादा हो रहा है, नमक के वजह से ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए ये तैर रहा है और ये डूब चुका है। थैंक यू।